आईपीएल 2022 के लिए 8 टीमों द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है। कुछ टीमों ने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है तो कुछ ने युवाओं पर दांव खेला है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी फ्रेंचाइजी ने कुछ युवा खिलाड़ियों को रिटेन किया है और वो भी भारी भरकम दांव पर। ऐसे में इन युवा खिलाड़ी रातों रात आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस में जाने से पहले ही करोड़ों के मालिक बन चुके हैं और इनकी ये रिटेंशंस में लगाए गए दांव पर देखकर हर कोई हैरान रह गया है। तो आईपीएल 2022 के वो कौन से खिलाड़ी रहेंगे जो मेगा ऑक्शंस में जाने से पहले ही हो चुके हैं बड़े करोड़पति। आईपीएल 2021 में महज कुछ ही रकम पाने के बाद एकदम से कई खिलाड़ियों की तो 40 गुना तक रकम बढ़ चुकी है। अब वो खिलाड़ी कौन से हैं जो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को भी पछाड़ रहे हैं, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में उन खिलाड़ियों के बारे में जो आईपीएल 2022 से पहले ही करोड़ों के मालिक बन गए जबकि पहले उनके पास नाम मात्र की फीस मिलती थी, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है आईपीएल 2022 के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। एक एक करके उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर के वेंकटेश अय्यर को लेकर। वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल थे। अय्यर के बल्ले से और गेंद से धूम मचाकर अपनी दावेदारी पेश की, इसी का नतीजा कि केकेआर टीम ने उन्हें पिछली राशि से 40 गुना बढ़ाकर राशि दी और रिटेन करने का फैसला किया। वेंकटेश अय्यर को 2021 के लिए टीम ने 20 लाख रुपए में खरीदा था। एक ही साल बाद उन्हें टूर्नामेंट में 8 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। केकेआर टीम ने वेंकटेश को 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया है और वेंकटेश अय्यर की फीस में 40 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरे बड़े खिलाड़ी है उमरान मलिक। जम्मू कश्मीर के उमरान मलिक को भी उनकी पिछली राशि से 40 गुना ज्यादा पैसा मिला है। मलिक को हैदराबाद ने 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है जबकि उनकी पिछली राशि 10 लाख रुपए थी। उमरान मलिक ने अपनी तेज गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और ये खिलाड़ी 40 गुना ज्यादा पैसा लेकर बन चुका है करोड़ों का मालिक। वहीं तीसरे नंबर पर नाम आता है मयंक अग्रवाल का। लोकेश राहुल का टीम के साथ नहीं रोकना पैसों के मामले में मयंक अग्रवाल के लिए अच्छा साबित हुआ। मयंक अग्रवाल को आगामी सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने रिटेन किया है जबकि उनका पिछला वेतन महज 1 करोड़ रुपए था। 1 करोड़ वैसे महज नहीं होता लेकिन एज कम्पेयर टू 12 करोड़, 1 करोड़ महज ही लगता है। अग्रवाल को 12 करोड़ रुपए मिलेंगे और इनकी फीस में भी काफी बढ़ोतरी हुई है जबकि चौथे खिलाड़ी के रूप में नाम अब्दुल समद का आता है। अब्दुल समद को सनराइजर हैदराबाद ने 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। समद फ्रेंचाइजी के साथ पिछले सीजन 20 लाख रुपए के साथ जुड़े थे। 20 लाख से सीधे 4 करोड़ तक पहुंचने वाले अब्दुल समद बन जाते हैं खिलाड़ी। तो वहीं पर नाम ऋतुराज गायकवाड़ का आता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। का पिछले वेतन 40 लाख रुपए था, अब यहाँ पे 40 लाख से सीधे 6 करोड़ पर पहुंच चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। नाम अर्शदीप सिंह का भी आता है। पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह ने पिछले सीजन 20 लाख रुपए के साथ जुड़े थे। एचआईजी ने उन्हें आगामी सीजन के लिए 4 करोड़ रुपए के साथ रिटेन करने जा रही है। पृथ्वी शॉ का भी नाम इस लिस्ट में आ चुका है। दिल्ली कैपिटल ने पृथ्वी शॉ के लिए वेतन 1.2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। टीम ने शिखर धवन, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को छोड़कर पृथ्वी शॉ को रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो वहीं पर नाम संजू सैमसन का आता है जो कि बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट के मालिक बन चुके हैं। राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन पर भरोसा जताते हुए उन्हें रिटेन किया है। संजू सैमसन को 14 करोड़ रुपए में राजस्थान ने रिटेन किया। उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट 8.5 करोड़ रुपए में था यानी कि उनकी फीस में भी डबल बढ़ोतरी हुई है। नाम मोहम्मद सिराज का भी आता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विराट और मैक्सवेल के साथ मोहम्मद सिराज को रिटेन किया है। सिराज का पिछला कॉन्ट्रैक्ट 2.6 करोड़ रुपए में था। आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने उन्हें मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपए में रिटेन करने का फैसला किया है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी फीस में काफी बढ़ोतरी हुई है और मेगा ऑक्शन से जाने से पहले ही करोड़ों के मालिक बन चुके हैं ये खिलाड़ी। खैर, इनमें से आपको सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।